हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है 9:30 बजे का टाइम जब मैं ऊपर टेरेस पे आई थी, कपड़ों को धूप लगाने आई थी। जो गर्म कपड़े होते हैं ना सर्दियों के, वो वाले वूलन और बाकी जो भी कुछ शॉल वगैरह जो कुछ भी होता है, जैकेट्स वगैरह, वो सब धूप लगाई थी। तो उस मेड की हेल्प के साथ सारे लगा दिए धूप में। इस टाइम धूप बहुत अच्छी आ रही थी तो मैंने सोचा कि ये सही टाइम है 9:30 बजे का, कि धूप भी लग जाएगी और आराम से 3:30-4 बजे तक वैसे धूप रहेगी, तो उसके बाद जाके कपड़े नीचे ले आएंगे हम। अब पॉल्यूशन का टाइम स्टार्ट हो चुका है जिस वजह से ना धूप अब बस जल्दी चली जाती है, या कह लो बिल्कुल थोड़ी ठंडी ही धूप होती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो बस ये था कि अब चलो जितनी धूप लगेगी लगेगी, 2-3 दिन लगातार लगा देंगे, फिर उसके बाद करवा चौथ के बाद मैं इन कपड़ों को समेट के रख दूँगी, और चाहे फिर मैं इसी की हेल्प के साथ करूँ चाहे अकेले करूँ, वो देखूँगी आगे। और बाकी यहाँ पे ये मेरी छोटी किचन है जहाँ पे मैंने अपना काफ़ी सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, एज अ स्टोरेज ही ये काम आ रहा है। और ये हमारा आर ओ है और यहाँ सारे मैंने बॉक्स खाली किए थे, कंटेनर बिस्किट्स के, नमकीन के, तो वो सब वॉश करने के लिए रखे हैं। तो ऐसे ऐसे करके मेरे सारे काम होते जा रहे हैं और उसके बाद फाइनल लुक मैं आपको बस ये दिखा रही हूँ कि मैंने अपनी किचन पूरी क्लीन करवा दी थी और बाकी सारा सामान यहाँ पे सेट करवा दिया था, जो जो मुझे जैसे चाहिए था। ये टोकरी है बर्तन की, ये बहुत अच्छी है, ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करी थी 2-3 साल पहले। और यहाँ इन्वर्टर पड़ा हुआ है और उसके साथ कुछ बर्तन हैं जिसको मैं अभी यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। और नीचे मैंने यहाँ पे जो पत्ती वाला पैकेट पड़ा है, यहाँ पे मैं सारे आटा, चीनी, चावल सबका पैकेट रखती हूँ। और नीचे जो जो सामान पड़ा है वो कम यूज़ में आता है इसलिए वो नीचे रखा हुआ है। और ये एक टोकरी है जिसमें मैंने सारे बर्तन रखे हुए हैं, जो जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना वो। और इसको ढक के इसलिए रखा है क्योंकि जब वो सपना बर्तन धोती है ना तो वो उसके सारे छींट हर जगह जाते हैं, तो फिर सारे बर्तन मेरे यहाँ पड़े पड़े ना गंदे हो जाते हैं। तो मैंने इस बार चादर से ढक ही दिया कि जब चाहिए होगा चादर हटाऊंगी और लूँगी और फिर से दोबारा से चादर को कवर कर दूँगी। और यहाँ पर उसके बाद किचन होने के बाद फिर ये चेस्टर क्लीन किया था। तो चेस्टर क्लीन करने के बाद मेरे घर में आ गए थे मेहमान और चलो उनका करते हैं वेलकम। कितने दिन से सोच रही थी मैं जाऊं मैं जाऊं, आज हिम्मत करके मैं आ गई। ब्यूटीफुल, मजे मजे, थोड़ा बहुत डर बिखरा दिखे इग्नोर करना, हम तो तुम्हें देखेंगे। हमारी फोटो मत खींचिए। क्यों भाई, अब आपको आदत हो जानी चाहिए। शीतल बोलती है शीतल, ये किचन नहीं अभी कैबिनेट करना है, दिवाली के पास हो गए तो अभी मेरे 11 साल हो गए ना, तो ये एक नहीं तो भी बढ़िया होगी। हां ये सब ये वो शुक्र हर चीज का शुक्र है, और अच्छा बन गया। ये अभी कपड़े सुखाने के लिए काम आता है, अभी इसको तो थोड़ा करना है कि ऐसे ही एक और ये राशन का सामान बर्तन, क्योंकि भी किचन में भी बंदर इसलिए सामान के जिस किया ये भी है आऊंगी। अच्छा फिर तो पूरा इंतजाम है, ये कैबिनेट है जो है बहुत अच्छी है, मुझे भी ये बहुत पसंद आती है। कुछ और ये खुद बनवाई है या रेडीमेड? मैंने ना डिजाइन देख लिया था वहाँ पे, तो ऑर्डर पे करवा दिया फिर। ये अलग से पसंद आ रहे, कुछ डिजाइन में बस हल्का फर्क था, हम लोगों ने ये वाला डिजाइन बनाया, थोड़े सारे यही चल रहे हैं। और ये पूरी ऐसे सिटीज को देखती है ना फोटो में, तो भी मुझे इसकी ये वो बहुत अच्छी लगती है। हां तो बहुत लंबा और ये ड्राइंग रूम, ये ड्राइंग रूम है। सब इतना शुगर शुक्राना नहीं, एक बार चौकी के लिए आए थे वो बस वही था चौकी।
साल हो गए मम्मी। अनाया पूछ रही है नीति किसका नाम है। नीति मास नीति नानी है। तेरी नानी का नाम नीति भी है। प्यार से नीति बुलाते हैं। सुमी सुमी ये अनाया का प्ले रूम है। नीता नीतू मेरे मम्मी डैडी बुलाते थे। अच्छा और नीता मेरे चाचा बुलाते थे। और ये अनाया और सुमी मेरी सब फ्रेंड्स कॉलेज फ्रेंड्स और सुमन मेरे ससुराल वाले पांच स्थिति में आई है। वॉशिंग हां जी अनाया बड़ी भी होगी ना। बड़ी होगी ना अनाया बड़ी भी होगी। अरे कितना कितना अच्छा जगह है। बहुत देख ये पूरा पूरा सामान। तो मेरे घर पे आई हैं मेरी मम्मी और मेरी सबसे छोटी मासी लाडी मासी जिनके बारे में मैंने आपको कई बार बता रखा है। और उनके लिए स्नैक्स में वैसे तो हमने हल्दीराम से ही सब कुछ ऑर्डर किया था क्योंकि यार मैं सुबह से ही बहुत बिजी थी कुछ नहीं बना पाई थी। और मम्मी लेकर आ गई थी सैंडविच और बाकी बिस्किट्स वगैरह तो वही बिस्किट्स और सैंडविच मैंने सर्व कर दिए थे। तो वैसे वो मम्मी ने कहा था तेरे घर के लिए लेकर आई हूँ बट मेरे को था कि भाई चलो यही वाले बिस्किट्स सर्व कर देती हूँ क्योंकि सबको ही वही सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं मम्मी वगैरह को। और बस यहाँ पे उनको पानी भी सर्व कर रही हूँ। वैसे वो मुझे नीचे मिल चुके हैं पहले ऑलरेडी तो नीचे मैं पानी इनको पिला चुकी हूँ। और दूसरा मम्मी पापा के साथ नीचे थोड़ी देर के लिए बैठे थे तो फिर मैं भी साथ में बैठ गई। हम थोड़ी बहुत बातें करी फिर उसके बाद ऊपर ले आई थी और फिर मैंने ये सारे स्नैक्स सर्व कर दिए थे और बढ़िया सी चाय पिला रही थी। फर्स्ट टाइम ट्राई किया था मीशो कंपनी से लिया था ऑनलाइन ऑर्डर किया था बट ठीक है वैसे अच्छा देख वैसे देखने में स्मार्ट है लेकिन तो ना बस फैब्रिक नीचे वाइट डालना ना मीठा मीठा फोन कर लिया क्या मैक्सी ने नहीं मिला फोन ही मिला ना वो लिखा है बिजनेस कार्ड जाए आ गया आपको करना वैसे टैक्सी नहीं वो कह रहा था ट्राई नहीं कितना दिया उसी को बोलना है कि तू आ सकता है अच्छा उसी को जिसमें आया तो कहता अगर मेरे को कोई मरना की पार्टी मिल गई तो मैं नहीं आऊंगा अगर लेन देन हुआ तो मैं आपको बता दूंगा तो नहीं बता रहा मैं आप टैक्सी कर दो आधे घंटे लेट करना नहीं मैं ये सोच रही होती थी कि तू जब वीडियो बनाती है तो कौन वीडियो बनाता है मैं खुद बहुत रेयर होता है कि जब ये अपना लेके कभी कर दे वैसे इसको अच्छे से भी आता नहीं है आता भी वो तो इग्नोर करती है तो मैं इससे ज्यादा बोलती तो हूँ नहीं कि कर दे मैं इसको नहीं करती इस मामले में खुद ही करती हूँ अपना जैसे भी मारे छोटी मासी का एक दिन फोन आया कि तूने यूनिक बुटीक साइज है हाँ कि तूने क्या कोई हायर किया हुआ मतलब वीडियो बनाने के लिए मैंने कहा नहीं मासी मतलब मैंने कमाना भी नहीं शुरू किया किसने पूछा स्वीट मासी क्योंकि वीडियो अलग अलग एंगल से आते थे उनको लगता था कि शायद कोई बनाते हैं कुछ बनाते हैं लेकिन वो खुद ही एंगल चेंज कर करके रख मतलब टैक्सी कर लो बेटे हाँ जी वही देख रहा हूँ बट इतनी जल्दी अभी जा रहे हो अभी तो टाइम नहीं हो नहीं बेटे ऐसे करना ना मेरे बहुत काम कर कल स्कूल जाना है ना इसने कल नहीं मैं ऐसे छुट्टी मांग कर नहीं लेती मैं क्यों उधर आ जाऊँ देखो ये कल मैं इस करवा चौथ में चूड़ी वगैरह मुझे लेने आना चूड़ी से ही अब करूँ कर लिया मेन तो मुझे सूट का सूट किसी तरीके से मिल जाए चूड़ियाँ और मैचिंग हजारों मिल जाएंगी सूट की मेन दिक्कत आ जाती है अभी सोचा नहीं है चला जाने तेरे को सोचा मैंने लेकिन इतना सोचा कि मुझे पहनना था गाउन में लास्ट टाइम भी आप मुझे गाउन ही ज्यादा अच्छी हो जा मैंने कल एक जो वन पीस देखा ना कमाल का कैजुअल में स्मार्ट पीस मैडम पे देखा ना मैं क्या है ओके तो आप अपने ले लो मैडम मैं क्या क्या कर जाऊंगी ना तो वो लेकिन वो पतली लड़कियों के लिए होगा ना पतली लड़कियों के मैं कभी तो कह रही पतली हो जा इतनी स्मार्ट चीज है तो बस अब टारगेट बना ले है ना टारगेट तो नहीं हो गया तो पता नहीं उस टाइम मैंने कहा मैं टाइम कैसे मतलब जरा वो टाइम सेट कर लो अभी खड़ी में पतली होने वाला सच में
क्योंकि ये बैग बंद ही इसको कर टैक्सी हां वही देख मासी में टैक्सी टेंशन हो जाती है मेरे को ये है ना कि यार मेरे सारे काम हो जाए जो ब्यूटी होती है ना वो अंदर ही अंदर दब जाती है चेहरे में हम लोगों के लिए तो स्माइल देते हैं वो तो क्या है अंदर से स्माइल हर कोई है ठीक है वो खुश से खुश इंसान पे होगा ना वो भी अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से दुखी रहता है सबके लाइफ में कोई ना कोई दुख है जब को बता रहे हैं एक और भी नहीं टैक्सी एक और बार मेरे को पता है ना भूल जाते हैं वो कई बार टाइम ले लेता ना टैक्सी वाले क्योंकि अब ये टाइम स्टार्ट हो गया कल भी तो यही हुआ ना जब हम वहाँ से आ रहे थे ये अंदर हमारा एरिया बहुत आते नहीं अंदर टैक्सी वाले कैंसिल करते रहते हाँ वो मैं देखूँ अगर 20 से बात करके अगर आता आएगा तो ठीक नहीं तो फिर मैं आपको बात कर दूँगा फिर मतलब ऐसे ही करता है कि अगर लगता है कि 5-10 मिनट नहीं हो पा रहा बिल्कुल फिर मन हुआ आप गाड़ी से सामने पार्क करते हो अपनी लीन की पार्क बना हुआ है हाँ वो ही ना फ्लोर दिया हुआ है जहाँ पे आप गाड़ी रुकी है ना बस उसके नेक्स्ट घर है फिर तीनों चारों गाड़ियाँ जो आने थे नीचे वो वाला तो रेंट पे लगा नहीं नीचे जहाँ पे गाड़ी है तो ऊपर रेंट है ना हाँ। नीचे तो आपके पास है ना कार पार्किंग हाँ, वो हमारा ही है वो तो पार्किंग के लिए तो कार बड़ी मैं कह रहा था इतना ध्यान देती नहीं हूँ ना मैं इतना पूछती हूँ मैं भूल भी जाती हूँ ये सारी बातें देखो ना आपको अब आएगी ना मैं तेरे बना के दूंगी बादाम वाला इसको भी खिलाना खुद भी खाना क्या ये जरूरी है अभी नहीं पता चलना आगे लिंगड़ विंगड़ हेलो एंड बाय मासी ये सोचो फिर कब चक्कर लगे हाँ भाई तुम्हारी शादी का कार्ड देने फिर आपके बोले भी शामिल साथ में ये इसकी कंजक है वो भी तो है डब्बा बिस्किट हां ये भी कंजक है अच्छा अब उनको भी कर लेना ठीक है ओके मैं आ रही हूं आ रही हूं बिल्कुल आ रही हूं ना मैं गॉड ब्लेस चुनी और फोन दो ओके बाय ड्राइवर दिखा नहीं रहा उनको नहीं दिखा रहा नहीं आई मैं पापा आ गया बाय मम्मी मैंने पिछले साल बहुत जल्दी लगा दिए थे मैंने फिर सोचा कि चल अभी दिवाली तो फर्स्ट की हो जाएगी खत्म बाय बाय मैं हूँ अच्छा अच्छा तो मासी और मम्मी तो जा चुकी हैं और बस यहाँ पे मैं अब सामान देख रही थी क्या क्या मिल गया मुझे और बिस्किट्स और मम्मी ने केक दिया है ये मासी का बॉक्स रह गया और ये जो पिंक वाला बॉक्स है ये मासी ने मुझे दिया ढोडा बर्फ़ी का और ये फ्रूट है ये मम्मी ने दिया है ये शायद मासी ने दिया है भाजी का डब्बा और साथ में गिफ्ट है वो गिफ्ट मैं आपको कल के व्लॉग में दिखा दूँगी और ये है ढोडा बर्फ़ी ये मासी ने दी है मेरे को अच्छी लगती है काफ़ी
और बस अब भगवान जी को ये भोग भी लगा देती हूँ और उसके बाद फिर करती हूँ अपना फटाफट से डिनर। और डिनर कर रही हूँ आज मैं थोड़ा सा जल्दी, और थोड़ा सा ही खाऊंगी, ज़्यादा मन तो नहीं था कुछ खाने का क्योंकि मैंने स्नैक्स वगैरह खा रखा है। और बस नीचे मम्मी पापा को भी स्नैक्स दे दिए थे तो उनका ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैंने उनको थोड़े से पुलाव बना के दे दिए थे कि अगर उनको पुलाव खाने होंगे तो वो खा लेंगे। तो गाइज़ मैं पता अभी क्या खा रही हूँ, डिनर में जो चिली पनीर मंगवाया था ना वो ग्रेवी वाला आ गया था, तो ये तरी वेस्ट नहीं करना चाहती थी, ग्रेवी ये वाली ग्रेवी वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो सोचा आज इसको चावल के साथ खा लूँ। वैसे तो मैंने आज पुलाव बनाया, ये कल के चावल है। पुलाव मैंने थोड़े से बनाया है, बस मन्नू बनाया और नीचे मम्मी पापा के लिए, उनको भी ज़्यादा भूख नहीं है क्योंकि उनको भी मैंने समोसा और वड़ा पाव दे दिया था, तो वैसे भी एक्स्ट्रा आ गया था इसलिए वही खा के सबका पेट भर चुका है। तो बस आज रात को भी सिर्फ इतने से चावल लिए और साथ में ये ग्रेवी यही खाऊंगी। बहुत टेस्टी है, इसको कभी ट्राई करना, मज़ा आता है घर के चावल के साथ, साथ में ये थोड़ी सी ग्रेवी बची होती है, बहुत टेस्टी लगता है। तो डिनर मैंने कर लिया तो सोचा कि फटाफट से सारे जो बॉक्स है ना उनको मैं यहाँ पे सुखाने के लिए रख देती हूँ। किचन भी थोड़ी सी खाली करनी थी क्योंकि छोटी किचन में ये सारे डब्बे जब रखे हुए थे ना धो के तो वो पूरी भर चुकी थी, इस वजह से यहाँ पे रखा है। तो अब आपको एक लुक दिखा देती हूँ कि आज क्या क्या काम हुआ सारा। और यहाँ देखो ये मंदिर का जो ड्रॉअर था वो मैंने सेट कर दिया, मतलब हेल्प के साथ किया है, अकेले नहीं किया। और यहाँ इसके अंदर मैंने सारी अगरबत्ती डाल दी है, ये सारा ज्योत डाल दिए हैं, इसके अंदर सारी बुक्स हैं माता रानी की, भगवान जी की, मतलब जो भी कुछ होती हैं। और ये उसी के साथ का ड्रॉअर है, इसके अंदर मैंने ये जो छोटा सा बॉक्स है ना ये खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसके अंदर मैं सारी धूप रख देती हूँ जो खुली हुई, जो खुला हुआ पैकेट था, और एक बंद पैकेट है वो उसके नीचे पड़ा हुआ है। और ये दिया है बड़ा सा, नया वाला दिया है, मतलब इसको यूज़ करना है, ये सारे नए दिए पड़े हैं तो इन सबको यूज़ करना है। और कैंडल्स हैं और ज्योत का पैकेट है, इस तरीके से ना मेरे सारे ये इतना सारा सामान अभी पड़ा हुआ है। तो मुझे दिवाली पे अब क्या क्या चाहिए मुझे पता चल जाएगा, इससे आइडिया हो गया मुझे कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं। तो ये है नया का ड्रॉअर जिसमें सारे हेयर बैंड्स इसके रखे हुए हैं, और ये है इसका गारमेंट्स वाला जिसमें हैंकीज भी हैं, सॉक्स है, बेल्ट, टाई, सब कुछ है। तो और एक ड्रॉअर मेरा है जिसमें मेरे सारे छोटे मोटे सामान होते हैं, मास्क वगैरह हो गया, कुछ भी अगर पाउच वगैरह चाहिए होता तो वो भी यहीं रखती हूँ। और ये वाली जो साथ वाली अलमारी है ये मैं कल करवाऊँगी, आज टाइम नहीं मिल पाया। और एक ये अलमारी क्लीन कर दी, जो ये जहाँ मैं राशन रखती हूँ ना वो छोटा वाला एक रूम है, तो वहाँ पर ये एक अलमारी है जहाँ पर सारी मैं बेडशीट्स रखती हूँ। तो अब ऑलमोस्ट देखा जाए तो मेरी सारी अलमारी क्लीन हो चुकी है, अब मेन मोटा मोटा जो काम रह गया है वो है सारी दीवारें साफ़ करना, जाले हटाना, फ़ैन साफ़ करना। तो बस एक दो जो अलमारी रहती है वो अब मैं कल करवाऊंगी, मेरा बाकी सारा काम हो चुका है। सुबह 7, 7:30, 8 बजे तक आ जाती थी रंजन, और फिर दोपहर को, शाम को, दोनों टाइम आके ना सारे काम उसने करवा दिए अपनी बहन के साथ मिलके। तो अब ये लगा लो 2-3 दिन में मैंने पूरी दिवाली सफाई ऑलमोस्ट सारी ख़त्म कर दी है, बस अब थोड़ा सा छुटमुट सा काम रह गया है वो मैं अब कल या परसों में करूँगी, और अगर कुछ रह जाएगा तो करवा चौथ के बाद ही करूँगी क्योंकि मुझे करवा चौथ की तैयारी करनी है। और कल जाऊँगी मैं अपने घर, मुझे रजौरी जाना है मार्केट शॉपिंग करने, तो मुझे मम्मी के साथ जाना पड़ेगा। तो बस मेरी आज की वीडियो बस यहीं तक की थी, अब आपसे कल की वीडियो में मिलूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।